बताता हूँ आपको, हंगा हंगा अंडा हंगा करक करक हंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। वेलकम बैक दोस्तों, डेली शाही व्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ मेरी गाड़ी के प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। एक एक से पूरे प्रॉब्लम्स बताऊंगा, आप देखना कहीं आपकी गाड़ी में तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको बता दूँ, ये है मेरी गाड़ी फोर्ड एक्सपीडिशन, और यहाँ इसके पैंडल्स है, ये देख सकते हैं आप। ये जो है एक्सलेटर है, ये ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है, ठीक है ना। इसको मैंने दबा दिया। ये जो ब्रेक बूस्टर आता है ना, ब्रेक बूस्टर जो वैक्यूम होता है उसमें, तो वो जो है प्रॉब्लम करता है कभी कभी। यहाँ पे जो किट है ना, जो अपने को ऊपर मीटर में बताता है, तो वो किट प्रॉब्लम करती है। यानी कभी कभी समझो ये ब्रेक जो है छोड़ भी देता है, वैक्यूम छोड़ देता है। जैसे मैं स्पीड ब्रेकर पर जाता हूँ तो छोड़ देता है। डबल ट्यूबल पैंडल मारने के बाद ये जो है ब्रेक काम करता है। मसला है भाई, बहुत बड़ा मसला है ब्रेक का इसका। गाड़ी फोर्ड एक्सपीडिशन, अभी मेरे को जाना है। इसकी प्रॉब्लम अभी क्या है ना, इसकी प्रॉब्लम और एक है, मेरे को लगता है इसका ऑयल कहीं ना कहीं लीकेज है, नहीं पता। ये तो सही है, ब्रेक ऑयल भी सही है, अब इसका इंजन ऑयल का मुमकिन प्रॉब्लम है। अब कैसे वो आपको मैं अंदर मीटर में बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। मेरे को तो कहीं से लीकेज नहीं दिख रहा है, पता नहीं इसका जो सेंसर आता है ना, जो ऑयल का सेंसर होता है, वो गड़बड़ कर रहा है। ये मेरी कैट, चलिए चलते हैं अंदर। टायर वायर में हवा सब बराबर है, ठीक है। गाड़ी पूरी गंदी हुई पड़ी है, गाड़ी को क्लीन करना बाकी है इंशाल्लाह। हाँ, क्या चाहिए, कुछ चाहिए, ताल ताल। तो अभी देखो मैं यहाँ से गाड़ी चालू करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गाड़ी चालू हो गया है। अभी ये जो मीटर आप देख रहे हैं ना, ये ऑयल का है ना, ऑयल का ही है ना ये। देखो मैं डोर लगा लेता हूँ अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डोर लगा दिया। अब जैसे गाड़ी में चलाऊंगा ना, ये मीटर जो है सडनली डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर जो है आप देख रहे हैं, ये सडनली डाउन हो जाएगा, फिर अब जाएगा। जैसे मैं कहीं ब्रेक करूंगा तो ये डाउन हो जाएगा, फिर अब जाएगा। यहाँ पर लाइट आती रहेगी ऑयल की, तो मैंने कल ही इसका ऑयल चेंज करवाया है। अभी देखो गाड़ी चालू है, ये आप देख सकते, देखो ये डाउन हो गया, ये ऑयल का जो है लाइट आ रहा है, ठीक है। इसका क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसको मैकेनिक के पास भेजना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कल ऑयल चेंज करवा दिया है 10,000 किलोमीटर का, ये फिर से अप हो गया, फिर डाउन चला जाएगा ये ऑटोमेटिक, देखो गया। तो इसका ये प्रॉब्लम है। मैं ऐसे ही चालू कर लेता हूँ गाड़ी में, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। ये गाड़ी है देखो भाई, इनसाइड में कुछ ऐसी दिखती है, गियर दंडा है, ठीक है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, फोर्ड एक्सपीडिशन। तो भैया आपने देखा गाड़ी का हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में कोई मेरे को बताओ कि आखिर क्या मसला हो सकता है। अब कंप्यूटर चेकिंग कराएंगे तो सौ रियाल जाएगा, इनको बोलेंगे तो इंशाल्लाह। सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, तो इसका कंप्यूटर चेक कहाँ से होएगा, है ना। और एक प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूँ, और ऑयल चेंज के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात बताना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, नाम याद नहीं आ रहा है, टाइम पे नाम याद नहीं आता है, आप लोग बताइएगा। तो ये भी ख़राब है दो साइड का, ठीक है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। जाहिर सी बात है गाड़ी पुरानी हो गई है तो प्रॉब्लम्स तो चालू होने वाले ही है। अब देखो ये फोर्ड एक्सपीडिशन जो है अमेरिकन कंपनी, एक बार अगर काम निकालना चालू करेगी तो ये काम निकालती ही रहेगी धीरे 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 एक एक। इससे पहले इसका इलेक्ट्रिशियन का जो किट था वो बदल, यानी कि जो किट रहता है फ्यूजों का वो बदल दिया है, क्योंकि पूरा नीचे से जल गया था। ये डैशबोर्ड खोल के बंदे ने पता नहीं क्या क्या काम किया, एसी का काम किया इसका, फिर भी एसी का जो है मुश्किल है इसका। अभी तो सर्दी का टाइम है, मुश्किल नहीं है। अब देखो भाई 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, डेली का 250-350 कंपलसरी किलोमीटर चलती है, ठीक है। डेली का 250-350 किलोमीटर कंपलसरी चलती है गाड़ी, तो खराब तो होना ही है। और कल जो ऑयल चेंज किया था,
इनको मैं पहले तकरीबन 10 दिन से बोल रहा हूँ गाड़ी का ऑयल चेंज करना है, जरूरी है, ऑयल चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये पहले एक बार आपको इशारा देगा यानी सिग्नल देगा कि ऑयल चेंज करना सून करके, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड कर देगा, ऑयल चेंज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में तुमको अगर चेंज नहीं करोगे बार बार वही बताता रहेगा आपको रिक्वायर्ड ऑयल चेंज, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम होता है भाई पूरा गाड़ी में, जरूरी है चेंज करना ऑयल। जब मैं चेंज करवा रहा था तो मैंने ऑयल चेक किया, पूरा ब्लैक हो गया था, एकदम गंदा वाला ऑयल हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया किलोमीटर। जरूरी है क्योंकि इंजन की जान वही होती है ऑयल, अगर ऑयल टाइम पे चेंज नहीं करेंगे तो मसला हो सकता है। और वो ऑयल भी मेरे को जो खाने के लिए पैसा मिला था उसमें से चेंज किया है, यानी मैंने खुद किया है जाके भाई, क्योंकि गाड़ी मैं चलाता हूँ, खुदा ना खास्ता मैं कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि लंबा लंबा मेरे को चलना पड़ता है, कहीं जा रहा हूँ अगर गाड़ी इंजन बैठ गया, इंजन बैठ गया तो समझो 10,000 से ज्यादा रियाल यहाँ पर लगेगा गाड़ी को। तो मैं बोला इसका ऑयल चेंज करना जरूरी है, किसी भी हाल में चेंज कर देना चाहिए। तो बोलते हैं पैसा नहीं है। मैं बोला ऐसे कैसे चलेगा, पैसा नहीं है, हर बात को पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो कर तू कोशिश कर कैसा भी करके, क्योंकि उससे एक दो घंटे पहले मेरे को 300 रियाल मिला था खाना खाने के लिए, यानी खाना मेरे पास सामान लाना था, सामान नहीं है, तो मैं बोला मेरे को खाने के लिए तो पैसे कम से कम दे दो। वही 300 रियाल से जो मेरे पास 45 रियाल थे वो बढ़ के मैंने डाल के जो है ऑयल चेंज करवाया है कल, यानी पूरा टोटल 345 रियाल इसका चार्जेस लगा है ऑयल चेंज करने का। ये है भाई यहाँ की कहानी। अब देखो गाड़ी जो है इनका काम करो, गाड़ी खराब हो गई तो प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हुआ तो प्रॉब्लम, अगर स्पीड कैमरे का फाइन आया तो प्रॉब्लम। अब इतना सब प्रॉब्लम झेलते हुए बंदा काम करता है, खुदा ना खास्ता तुम्हारे को चलो ड्यूटी के टाइम में 5 मिनट लेट हो जाएगा ना, अल्लाह ही आसमान उतर के नीचे आ जाएगा, आसमान उतर के नीचे आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ। अब देखो भाई ये फोर्ड एक्सपीडिशन है, मैं चला रहा हूँ इसको, चलती है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, इसके टायर भी जो है हाथ को आ गए, अभी टायर भी बदलना जरूरी है। ये मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। वो आपके पास भी गाड़ियां, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है, गाड़ी अगर कुछ खराब हो गया तो बोलेंगे तुम्हारा तनख्वाह कट कर देंगे, एक्सीडेंट हुआ तो बोलेंगे तनख्वाह कट कर देंगे, फाइन आएगा तनख्वाह कट कर देंगे, हर तरफ से तनख्वाह कट करने की धमकी आती है यहाँ पर। यहाँ की जिंदगी कुछ ऐसी है मेरे लाल। सऊदी अरब आना चाहते ड्राइविंग काम में, तो ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान में रखो, गाड़ी एक्सीडेंट होएगा अगर आपकी गलती निकलेगी तनख्वाह कट, ओवर स्पीड भगाओगे मुखालफा या फाइन आएगा तनख्वाह कट, गाड़ी के हेडलाइट इंडिकेटर वगैरह टूटे हुए फाइन आ गया सैलरी कट, गलत पार्किंग करे सैलरी कट, ठीक है, अगर कोई तुम्हारा समझो सीट बेल्ट का मुखालफा आ गया तनख्वाह कट, फोन का मुखालफा आ गया तनख्वाह कट, ठीक है, ये सब मसलों में तनख्वाह कट तनख्वाह कट तनख्वाह कट तनख्वाह कट, धमकी ही धमकी होती है, सिर्फ तनख्वाह कट कर देंगे, सैलरी काट देंगे सीधा सीधा, नहीं तो अच्छा रहेगा तो बोलेगा मुश्किल नहीं है चल छोड़ दे, ऐसे 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 लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे कि अच्छे लोग भी है, बोलेंगे मुश्किल नहीं है तू आधा दे दे मैं आधा, आधा भी क्यों दिए भाई, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर सुबह 6 से लेकर के रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 1 महीना कंटिन्यू, एक दिन का भी छुट्टी तुमको नहीं मिलेगा, फिर भी तनख्वाह कट तनख्वाह कट तनख्वाह कट, बस अल्लाह रहम करे। तो भाई ये गाड़ी के ये प्रॉब्लम से देखो पता नहीं अब क्या होगा, ये गाड़ी का इसका गियर का भी प्रॉब्लम है, गाड़ी चलते चलते ऐसा बुरी तरीके का झटका आएगा गम करके गाड़ी सामने जाके पीछे आ जाएगा, एक एक बार ब्रेक मारता हूं तो ब्रेक पैंडल उठा के गाड़ी सामने चला जाता है, एक एक बार ये इतना डेंजर हो जाता है कभी कभी, मैं चला रहा हूं चल रही है कब तक चलेगी नहीं मालूम, इसका गियर का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बाकी अल्लाह करीम है, देखते हैं क्या होता है। अभी तक मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ है, लंच नहीं खाया, क्योंकि अब्दुल्ला का इंतजार कर रहा हूँ, वो आएगा तो उसको जिम को छोड़ना है, मैं गाड़ी अभी ऑफ ही नहीं किया, गाड़ी जैसे आया देखो बंदा आ गया है, याद में ही आ गया है, ताल या हबीबी ताल, ये देखो आ गया मेरा बड़ा भाई, अभी जा रहा है ना, ये शाम के 6:30-7 बजे निकलेगा जिम में से, पता नहीं 4-5 घंटे उसमें क्या करता है क्या नहीं अल्लाह आलम, जिम के लिए 2 घंटा या 1 घंटा बहुत होता है, बहुत जिम के लिए है जी। अब गाड़ी नई लेने के वास्ते नक्को बोलो मेरे को भैया गाड़ी नई ले लो, अब्दुल्ला को बोलो गाड़ी नई ले, अब्दुल्ला मित स्त्री सैरा जदीद अल्लाह खैर इनशाला, बस यही रहेगा, वो गाड़ी नया आएगा नहीं और ना मैं कभी नया गाड़ी यहाँ पे चलाऊंगा, देखते हैं क्या होता है भाई लोग क्या बोलते हैं अब्दुल्ला भाई, यानी सैरा जदीद
हाँ खलास खलास मालूम मालूम वो अच्छा अच्छा टीवी वाला इसको गाड़ी चाहिए यानी पेट्रोन निसान का पेट्रोन गाड़ी लेना चाहता है। अच्छा हाँ फ्रिज भी चाहिए गाड़ी में माशाल्लाह सा सा ए वाह वैन रोल हिन तमरीन अव्वल तमरीन انا ما غديت اذا خلصت التمرين ارجع البيت داك كل شيء हां छोड़ के आके खाने का समझे ऐसे होता है। चलिए भाई को छोड़ते हैं आते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। खाना बनाना है अभी भाई अंडा तल के खाएंगे आके बताता हूँ आपको। हंगा करक। तो भाई आज लंच में है तो भाई आज लंच में बना रहा हूँ मैं अंडा कड़क है अंडे की पत्ती अंडा भुर्जी जिसको बोलते हैं वो बना रहा हूँ। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं और लंच करते हैं। टाइम वैसे 3 बज रहा है मुमकिन अभी जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलिए ये मैंने जो है तेल डाल दिया है पैन में। अब इसमें हम डालेंगे प्याज हरी मिर्च। प्याज मैंने बहुत ज़्यादा लिया है अभी क्योंकि दोनों टाइम के लिए होना चाहिए। दो टाइम के लिए अंडा खाएंगे अभी ये दो अंडे। तो ये प्याज को थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च हल्दी नमक। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और डालेंगे नमक और डालेंगे हल्दी। अभी डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च लास्ट में डालना चाहिए क्योंकि पहले डालेंगे तो जल जाएगी। पहले नहीं डालना लास्ट में डालना इसको। तो इसको अभी कम फ्लेम पे पकाते हुए हम इसमें डालेंगे अंडा। ये हमारा अंडा देखो आधा नीचे गिर गया है गड़बड़ में। अभी हमने डाल दिया इसको पूरा। ये हमारा पूरा अंडा इधर गिरा है सही है। अभी आप इसको मिला भी सकते हैं या इसको ऐसे ही पका सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ऑमलेट के जैसे बन गया है। अभी हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं भाई हमारा अंडा भुर्जी हो गया है तैयार यानी कि अंडे की पत्ती इज रेडी। अभी आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ में खा सकते हैं। माशाल्लाह इसको कुकिंग करना कोई हार्ड काम नहीं है बहुत आसान है। प्याज काटो अदरक लहसुन काटो हरी मिर्च काटो और प्याज फ्राई करो अदरक लहसुन हरी मिर्च फ्राई कर लो। उसको थोड़ा सा फ्राई करना चाहिए। उसके बाद हल्दी नमक डालना लाल मिर्ची लास्ट में डालना है क्योंकि जले ना। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना वाला टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा। लास्ट में जो है अंडा डालना। अंडा डालने से थोड़ी देर पहले लाल मिर्ची डाल के फ्राई करके खा सकते हैं जबरदस्त। चलो खा के देखते हैं कैसा है। ये होती है भाई सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की लाइफ। देखो ये वाली रोटी है और ये है अंडा भुर्जी। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं ना यूट्यूब में सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन बाइट नंबर वन माशाल्लाह वल्ला ही नंबर वन बनी है। मैं जितना गड़बड़ में जितना जल्दी बनाता हूँ ना प्याज काटते टाइम में प्याज को एकदम बारीक नहीं करना चाहिए। थोड़ा मोटा मोटा रखना चाहिए और उसको टुकड़े नहीं करना है लंबा लंबा रखना चाहिए तो ऐसे टेस्ट आता है। माशाल्लाह चलो पेट भर के मैं खाता हूँ उसके बाद हम मिलते हैं। सऊदी अरब हाउस ड्राइवर लाइफ हाउस ड्राइवर। तो सऊदी अरब में ड्राइविंग करने वाले तकरीबन ड्राइवर लोग इसी बात से डरते हैं भाई कटिंग सैलरी कटिंग। क्या आप लोगों में से भी किसी को ऐसे धमकियां मिलती है। वैसे मेरे को धमकी तो नहीं मिलती लेकिन डायरेक्ट कट हो जाती है सैलरी कट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को धमकी भी मिलती है कि भाई हम जो है सैलरी काट देंगे। देखो मेरा रिंग लाइट टूट गया तो मैंने इसको जुगाड़ कैसे किया हुआ है। भाई गरीब आदमी हूँ क्या करे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। तो भाई यही थी आज की वीडियो। गाड़ी के प्रॉब्लम्स मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बस वो कोई मैकेनिक अगर भाई मेरा देख रहा है तो वो ऑयल का जो लाइट आ रहा है उसके बारे में जरूर बताना मेरे को। शॉर्ट में पता चल जाएगा तो मैं डायरेक्ट जाके वर्कशॉप में बता सकता हूँ कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है क्यों ऐसे लाइट जल रहा है और उसको बनाना जरूरी है क्या नहीं तो नॉर्मल है ठीक है ना। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना। कम से कम देखो 200 से 300 कमेंट तो इस वीडियो पे आना चाहिए। और खास करके जो ड्राइवर लोग है जिसको धमकी मिलती है भाई अपनी स्टोरी कंपलसरी आप जो है कमेंट में लिख के बताना ठीक है ना। जो नहीं लिख सकते भाई कम से कम ड्राइवर बोल के तो लिख देना ताकि हमको पता चल जाए ड्राइवर लाइफ
सऊदी अरब की रोड लाइफ जो बोलो आप ऐसी होती है। इतना है कि ड्राइवर जो है घर में रहता है, अब ट्रक ड्राइवर जो है बाहर लाइन पे चलते रहते हैं। फर्क नहीं है, सेम ड्यूटी होता है, बस सैलरी में नीचे ऊपर होता है। ड्राइवर की सैलरी, हाउस ड्राइवर की सैलरी डाउन होती है, ट्रक ड्राइवर की सैलरी थोड़ा हाई होती है और उनको कमीशन वगैरह मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और कमेंट कंपलसरी करना। आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूरी है आप कमेंट करना, ठीक है ना। आपने वीडियो शुरू का भी थोड़ा सा पार्ट देखा है तो आपको वीडियो को कमेंट करके बताना जरूरी है कि आपने वीडियो देख लिया है। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह खैर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। मा सलामा, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, आबाद रहिए।